यस, ये सब भी करना पड़ता है। ऐसे साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ब्रो। और हाँ, मन कर रहा है कि अपनी टांगे काट के रख दो कहीं, क्योंकि 9 के 9 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। I finally got the job in Perth and today is my first day on my first job. So hello everybody, this is Gaurav. Welcome to my YouTube channel Alpha Gaurav, where you can do it better. अगर वैसे तुमने मेरे थंबनेल से अंदाजा लगा ही लिया होगा मुझे क्या जॉब मिली है, पर स्टिल तुम्हें दिखा देता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता चला हो तो चलो चलते हैं और अपनी करते हैं जॉब स्टार्ट। And we have arrived, guys. Here is my first job. Let's get started. Hello, guys. ये है मेरी first job. Yes, you guessed it right. It's on fuel station. वैसे तो भाई इंडिया में कोई भी सुनता है ना कि fuel station पे काम कर रहा है लड़का, fuel station पे काम कर रहा है, वही सोचते हैं कि जब गाड़ी है ना सब fuel भरना। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फ्यूल वहाँ से कस्टमर खुद भरते हैं। मेरे पास अंदर कंट्रोल होता है कि मैं किसे फ्यूल भरने दूँ, किसे ना भरने दूँ, जो कि मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पर हाँ, यहाँ ये ऐसा ही होता है कि भाई एक फ्यूल स्टेशन को एक बंदा पूरी तरह से हैंडल कर सकता है। तो सारा सामान है यहाँ पे मुझे स्कैन करके फिर यहाँ से हैंडल करके पे करना होता है। मतलब मुझे नहीं, कस्टमर को पे करना होता है। अभी ये देखो, जैसे गाड़ी हुई है, देखो यहाँ पे ये बजने लगता है कि हाँ इस नंबर का फ्यूल मांग रहा है वो। तो मैं ये दबाऊँगा, देखो भरना शुरू हो गया। ये दिखाता रहता है हाँ भाई कितने रोड का भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। फिर लास्ट में एक और आवाज़ आएगी कि फिर उससे, मतलब वो आवाज़ आती है कि हाँ भाई अब उसने फ्यूल भरना रोक दिया और उसने वो पंप होता है जो उसके हाथ में, उसने वापस रख दिया। रुको, तो मैं अभी सुनाता हूँ कैसी आवाज़ आती है कि जब फ्यूल भरना बंद हो जाता है, मतलब दोनों में फ्यूल भर रहे हैं, नंबर 2 और नंबर 8 में। आई ना आवाज़ नंबर 2 रुका जब, कुछ ऐसी आवाज़ आती है ना। देखो अभी कस्टमर आएगा अभी, मतलब फ्यूल पे करने। मैं तो उसका भी दिखाते हैं कि फ्यूल कैसे, मतलब चार्ज करना होता है उसका। ऐसे इस मशीन से पैसे काटने होते हैं। अभी बाकी बातें बाद में। अगर तुमने सुना हो पीछे एक टंग की आवाज़ आई थी, वो आवाज़ थी इसकी। इसमें ना ये रखने होते हैं पाइज। ये पाइज निकाल के, मतलब ये वैसे फ्रीज़र में रखी होती है, इसमें बिल्कुल फ्रीज होती हैं। तो पहले कुछ टाइम बाहर रखनी होती है, फिर इसमें ओवन में रखनी होती है, माइक्रोवेव में, फिर वहाँ से निकाल के इसमें रखनी होती है। तो भी ऐसे छोटे मोटे काम से कल पूरा स्टोर हैंडल करना होता है। बाकी इस जो मैंने सबसे मेन बात है ये मशीन, अगर ये मशीन चलानी आ जाए ना पूरी की पूरी हर तरह, जैसे कभी कभी अगर रिफंड भी करना होता है। देखो पैसे काटने की 3 मशीन, इसमें चलता है नॉर्मल कार्ड, नॉर्मल किसी बैंक का कार्ड, ANZ या कॉमनवेल्थ बैंक, सभी बैंक का। इसमें चलता है वैक्स प्रोडक्ट, मतलब वैक्स परचेज या वैक्स नाम का कुछ कार्ड होता है किसी कंपनी का, मेरे को नहीं पता क्या होता है। इसमें होता है शेल का कार्ड, जो ये फ्यूल स्टेशन है शेल, इसी का एक कार्ड बनता है अलग से। तो वो मतलब उसमें पैसे डाल सकते हैं। तो मतलब वो मोस्टली कंपनियां यूज़ करती हैं। तो एक ये दोनों मशीन होती हैं, चलानी आनी चाहिए, और एक ये चलानी आनी चाहिए। ये सारा कुछ आ जाए ना तो मतलब समझ लो तुम्हें कहीं भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये चलाना थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। अब ये देखो एक और मशीन है यहाँ पे, ये है मतलब उसके वोडाफोन वगैरह के रिचार्ज करने के लिए कूपन्स, इसमें से कूपन्स निकलते हैं। जैसे हम करते नहीं तो कई सालों पहले वो 10-20 रुपये का एक छोटा सा कूपन आता था बार कोड के साथ, ये वो करने के लिए है। जब मैंने पहली बार ये मशीन देखी ना, ये वाली, मैं चौंक गया। मैं यार ये काम भी होता है अभी तक, स्टिल ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। वैसे आज है 6th of March और आज है लेबर डे। लेबर डे पे पे डबल होती है चाहे कोई भी काम हो। अब मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे पे डबल मिलेगी या नहीं मिलेगी, खैर वो मेन नहीं है, मेरा तो पहले वैसे ही फर्स्ट डे है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो अच्छा है। देखो अभी अभी जो कस्टमर आया था ना, उसने ये वाली मशीन यूज़ की थी। इस फ्यूल स्टेशन का रूल है, मतलब जो इसका मालिक है उसने बनाया हुआ रूल, इन दोनों से कोई पे करे वैक्स या शेल कार्ड से, तो उसकी रिसिप्ट हमें अलग से रख के और यहाँ साइड में रखनी होती है। शेल की रखनी है, स्मोक और वैक्स। स्मोक अगर कोई बीडी सिगरेट वगैरह खरीदते तो उसके लिए, बाकी बीडी सिगरेट वगैरह की बोरी मशीन। इसमें मेरे ख्याल से 17 टाइप की हैं। आज वैसे लेबर डे है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बिजी है, अदरवाइज़ नॉर्मली इतना बिजी होता नहीं है। अभी याद आया, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया था पूरे एक हफ्ते पहले, मतलब ट्रायल देने, मतलब मेरी ट्रेनिंग भी नहीं थी उस दिन। मेरे को सिर्फ मतलब उस बंदे ने देखना था जिसने मेरे को जॉब देनी थी ना, उसने देखना था कि मेरी मतलब मैं किस टाइप का बंदा हूँ, मैं हैंडल कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उस दिन के बाद मुझे मेरे पहले दिन में ही, जब मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पे हमें एक सांप मिला था वहाँ पे कॉर्नर में, फिर उठा के फेंका हमने। बाकी सांप का बच्चा था, छोटा सा ही था। अभी जब तक कोई कस्टमर नहीं आ रहा ना,
चलो तब तक तुम्हें स्टोर की थोड़ी घुमाई घुमाई करवा देता हूँ। और ये रिसिप्ट हैं जो वेस्टेज जाती है, क्योंकि क्या होता है शाम को 6 बजे के बाद अगर ये हमने मतलब गर्म करके रखे हुए हैं तो शाम के 6 बजे के बाद हम इन्हें बेच नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मतलब वापस स्कैन करके फिर वेस्टेज में डाल के वो रिसिप्ट वहाँ रखनी होती है, और फिर बाद में जो ये नीचे प्लेट्स हैं वो यहाँ वॉश करनी होती है। अभी साथ में ही वॉशरूम भी होता है, तो रात को भाई वॉशरूम भी क्लीन करना पड़ता है मुझे। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस एवं नॉर्मल सा ठीक साफ़ करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ ये नहीं डीप क्लीनिंग करनी होती, ना। फेस वॉश में ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी मशीन है, मतलब इसेंशियल चीज़ें जितनी भी होती हैं ना वो हैं। ये गाड़ियों का सामान रखा हुआ है थोड़ा, फिर साथ में हमारे पास गैस सिलेंडर्स भी हैं स्वैप एंड गो के लिए, एक स्पिल किट अगर कुछ फ्यूल वगैरह गिर जाए तो उसके लिए। ये आइस है, आइस कूलर, इसमें आइस रखी हुई है, मतलब कस्टमर वहाँ पे करता है, फिर उसका पे होने के बाद हम उसे चाबी देते हैं, वो बाहर जाता है खोल के आइस बैग ले के लॉक वापस लगा के चाबी हमें वापस दे जाता है। फिर रात को जब थोड़ा मतलब क्लोजिंग टाइम होता है ना, तो करीबन 7:30 बजे तक मुझे ये थोड़ा ड्रिंक्स भी फिल करनी होती है। एक पीछे से रास्ता है, पीछे से जाके ये पीछे है ना जगह, तो वहाँ से ड्रिंक उठा के मुझे इन पूरी आइल्स में सामने रखनी होती है। फ्यूल स्टेशन की जो मैंने वो सेक ही वो थोड़ी कमी कैसे, क्योंकि इसमें ना कोई ब्रेक नहीं होता, क्योंकि अभी देखो अभी जब मेरे अभी जैसे कोई कस्टमर नहीं आ रहा तो मैं खाली हूँ, यही ब्रेक मान लो मेरा। अदरवाइज़ क्या होता है जिस फ्यूल स्टेशन पे 2 बंदे होते हैं ना उनमें तो ब्रेक मिल जाता है एक बंदे को जब बिजी नहीं होता है, अदरवाइज़ जैसे एक बंदा होता है उसे कभी ब्रेक नहीं मिलता। तो इसलिए जब खाना भी खाना होता है ना तो यहीं पर रख के मैं यहीं खाना पड़ेगा मुझे। और भाई तुम वहाँ बैठे बैठे इंडिया में ये ज़रूर सोच रहे होगे कि भाई अगर मैं फ्यूल स्टेशन पर काम कर रहा हूँ या तो मुझे फ्यूल फ्री में मिल रहा होगा या फिर थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेम उतना ही पे करना पड़ता है मुझे भी। एक तुम ये भी सोच रहे हो कि भाई ये शॉप में जितना भी सामान है मैं उठा के खा सकता हूँ, ये भी नहीं कर सकते। अगर खाना है तो सीधा पे करके फिर ही खाना है, फ्री कुछ नहीं होता। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि भाई बचा कुचा तुम बाद में खुद खा लोगे, ये बचा कुचा ये होता है ना, हम तो ये भी नहीं खा सकते, ये भी हमें फेंकना होता है, ना ही किसी को फ्री में दे सकते हैं, क्योंकि ये खाना ना तो खाना सेफ़ है और ना किसी को देना सेफ़ है। अगर किसी हमने ऐसे फ्री में दे दिया ना, उसको खा के कुछ मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ हो गया, साला कोर्ट में केस ठोके मिलियंस लूट जाएगा। अरे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी यार, इतना बोल बोल के थक ही जाता है बंदा। दर्द तरेगी। जब मैं आया था ना घर से लेके आया था, मैंने ये उसमें रख दी थी उस फ्रीज़र में, अब इसमें बर्फ़ ही जम गई है पूरी। चलो बच के ज़्यादा देर नहीं रखी रही, नहीं जमी अच्छे से। वो इसमें बंदा बोल बोल के थक जाए यार बहुत ज़्यादा, पर कोई ना, जो है सो है। ये देख लो इतने सारे पे करे हैं उसने कॉइन्स में, कल्ला नहीं दिखा सकता तुम्हें, पर 4 वो होते हैं ना बॉक्स, मतलब उसमें 6 बॉक्स होते हैं, 6 में से मेरे ख्याल से 8 होते हैं, 8 में से 4 तो 20 सेंट्स के ही भर गए सारे के सारे, इतने ज़्यादा थे यार। बड़े ज़ोर को सुसू लगी, अब सुसू करने चलते हैं। हाँ तो जो हमें सुसू करने जाना ना, एक रिमोट है हमारे पास, इसे वो सामने वाला दरवाज़ा लॉक हो जाता है। देखो अभी मैं इसे दबाऊँगा तो वो कोने में लाइट देख रहे हो, वो देखो ऑन होगी, इसका मतलब वो लॉक हो गया। अब मैं हमारे स्पेशल स्टाफ टॉयलेट में जा सकता हूँ। भूख भी बहुत लगी है तो पहले सुसु करके आता हूँ। साथ ही मैंने ये खाना देखो यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए, ये एक एक्चुअली हीटर है और वो कूलर है, तो वो अभी हीटर में मैंने अपना खाना रख दिया, ये सब्जी, ये फिर सब्जी, तो उसमें नान, इसमें रोटी मज़ा आएगा। साथ में वी पिएंगे एनर्जी ड्रिंक, दही भी है, पर पहले थोड़ा हल्का होके आते हैं। चलो शुक्र है उस टाइम कोई नहीं आया जब मैं वॉशरूम में था। अब खाना निकालते हैं और खाते हैं, कम से कम ये सुख तो है कि एकदम बढ़िया गर्म खाना मिल जाता है। वैसे गर्म तो मैं ओवन में भी कर सकता था, ये रहा ओवन, पर वो ये जो मज़ा लो हीट में गर्म हुआ का मज़ा है ना, वो ओवन का मज़ा नहीं है, वो माइक्रोवेव ओवन या जो भी है। क्या एक एक टूटा खा के ना ऐसे बीच में देखना पड़ता है कि कोई कुछ कोई आया तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं आई, कोई अगर कोई आवाज़ आ जाती फिर देखना पड़ता है ऐसे कैमरे में, नहीं तो फिर यहाँ से आगे आके देखना पड़ता कि कोई है क्या बाहर। तो थोड़ी दिक्कत तो है पर कोई ना, अदरवाइज़ देखो बाकी जॉब्स में क्या होता है, अगर 9 आवर्स की शिफ्ट है ना तो उसमें ये होता है कि भी जो पेड तुम्हें ब्रेक मिलते हैं लेकिन हमेशा वो पेड़ नहीं होते, किसी किसी जॉब्स में पेड़ होते हैं, किसी किसी जॉब्स में पेड़ नहीं होते, किसी किसी जॉब्स में ऐसे भी होता है कि भी हाफ़ पेड़ होता है हाफ़ पेड़ नहीं होता, और पर ये भी नहीं कर सकते कि मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए, उन्हें ब्रेक देना ही पड़ेगा और तुम्हें ब्रेक लेना ही पड़ेगा और वो भी अनपेड। तो भाई इस जॉब में ये फ़ायदा है कि तुम्हें ब्रेक तो नॉर्मली मिलता ही रहता है, तो तुम खाना वाना भी खा सकते हो और तुम्हें तुम्हारी पूरी 9 आवर के शिफ्ट के सारे के पैसे मिलते हैं, ज़रा से भी नहीं कटते, 15 मिनट के भी नहीं कटते। हाँ तो भाई अभी बजे हैं 4:05, अभी मेरा टाइम हो गया है हर एक फ्रीजर का, हर एक कूलर का, हर एक हीटर का टेम्परेचर मेजर करने का, मुझे टेम्परेचर मेजर करना है इसका, इसका ऑन कोल्ड ड्रिंक्स वक का, यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज है उनका, और वहाँ पे एक आइसक्रीम का बॉक्स है उसका, इन सब के टेम्परेचर लेने मुझे अपनी गन से और इस स्लिप पे लिखने हैं
Let's go. लो जी, हो गया ये पेपर वर्क भी पूरा अपना। अभी अब बजने वाले हैं 6, सिर्फ 4-5 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट। तो अब जब इस हीटर में सामान रखा होता है ना, जैसे पाई होते हैं, सैंडविचेस वगैरह, सॉरी रोल्स वगैरह होते हैं, ये हमें 6 बजे के बाद फेंकने होते हैं। तो इस हीटर को सबसे पहले तो हम ऑफ कर देंगे, लाइट्स भी ऑफ, और अब इस पाई को निकाल के फेंकना है। अभी के लिए इस पेपर को फेंक देते हैं, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ये वॉश भी करना है। अब बचाइए इसको, पहले करो स्कैन, फिर इसमें डाल दो ये वेस्ट में। यस, ये आ गई रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट हमें डालनी है इसमें वेस्टेज में, और इसे हमें इसमें फेंक देना है। बाकी क्या ठंडा होने का वेट करना, अभी इससे उठाते हैं और ठंडे पानी में डाल दूंगा सीधा। ये देखो भाई, ऐसे काम भी करने पड़ेंगे, वॉशिंग वगैरह की, क्लीनिंग वगैरह। ये मत सोचना कि यहाँ पे आके तुम राजा की जिंदगी जियोगे, नहीं नहीं, ऐसे साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ब्रो। अब भैया बच चुके हैं 6, और 6 बजने पे क्या करना होता है, क्योंकि ये स्टोर ना एक है रीजनल एरिया में, बहुत दूर है, और एरिया कुछ खास सेफ नहीं है, इसलिए तो ये कभी ओवरनाइट में नहीं खुलता। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा और ये साइन लगा दूंगा वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पंप्स हैं जो हम नहीं देख सकते, तो उन पंप्स पे ये लगा देंगे, ताकि भी वो पहले स्टोर में आएंगे, पहले पे करेंगे, फिर फ्यूल स्टार्ट होगा। एक तो भाई यहाँ लगाना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। 6 से 9 तक लेकर हमारे सारे काम होते हैं, मतलब फिनिश वाले, जैसे क्लीनिंग करना। अभी पीछे जाके मुझे ये भी भरनी है, मुझे आइल्स इनकी, कोल्ड ड्रिंक्स की, फ्लोर भी क्लीन करना है, वहाँ का फ्लोर भी क्लीन करना है, टॉयलेट क्लीन करने हैं। चलो बस लगते हैं काम पे। क्लास एंड टॉयलेट क्लीनिंग टाइम, एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज ग्लव्स। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम मिडिल क्लास से हो और यहाँ आने की सोच रहे हो, तो भाई ऐसे काम पक्का करने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हर किसी को करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ मोस्टली हर किसी को। तो भाई ये सोच के मत आना कि यहाँ पे तुम ऐश मारोगे या कोई बढ़िया जॉब करोगे या ऐसी वैसी, मतलब कोई वाइट कलर जॉब करोगे, वाइट कलर जॉब नहीं मिलती भाई स्टूडेंट्स को, इतना इजी नहीं है। तो अगर सर्वाइव करना है ऐसी जॉब्स करनी ही पड़ेंगी। हाँ, तो ये अब बच गए हैं 7:30। अब मैं कर लेता हूँ वहाँ पे पीछे कूलर की फिलिंग्स, उसके लिए मैं वो सामने वाला दरवाज़ा लॉक करूँगा, वो लाइट ऑन हो जाएगी वहाँ से, हो गई। और ये रहा अपना कूल रूम, बहुत ज़्यादा कूल है। तो भाई 8 बज गए हैं, अब थोड़ा ना बाहर का काम कर लेता हूँ। 8:30 बजे मुझे क्लोजिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, वो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बाहर का काम कर लेता हूँ पहले ही। यस, ये सब भी करना पड़ता है। और कुछ होना हो पर बार बार हाथ धो के ना, हाथ गोरे जरूर हो जाते हैं। खाना और बच गया, जल्दी जल्दी खाना ठोस लेता हूँ। 8:35 हो गए हैं, क्लोजिंग का टाइम हो गया। अभी क्या करना था, मुझे सारा कैश काउंट करके लिखना होता है, कितना क्या कुछ है, सेफ ट्रिप करना होता है, फिर इसमें मैं तुम्हें सारी डिटेल में नहीं बता सकता, काफ़ी थोड़ा बहुत पेपर वर्क भी होता है, तो वो सब करके फिर मिलते हैं, बाय बाय। पर वही है कि जब भी हमें कैश काउंट वगैरह करना होता है ना, जब भी जो मतलब कैश का काम करना होता है, काउंट करना होता है, ये पेपर वर्क करना होता है, हम हमेशा डोर लॉक कर देते हैं। हम कभी भी कस्टमर के सामने गलती से भी कैश नहीं दिखाना चाहते, क्या पता मन उसके मन में लालच आ जाए और फिर हमें लूटने आ जाए थोड़ी देर बाद। हाँ, तो फाइनली मेरी 9 घंटे की शिफ्ट हो गई है, और हाँ मन कर रहा है कि अपनी टांगे काट के रख दूँ कहीं, क्योंकि 9 के 9 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो भाई अभी जब क्लोजिंग टाइम की, उसमें मतलब बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है, कैश काउंटर रखे वो करना होता है, वो सब करना होता है, फिर शटर्स डाउन करने होते हैं, एक की से होते हैं, मैं उस की को भी नहीं बता सकता, मैं क्या कुछ चक्कर है वो भी नहीं बता सकता। फिर यहाँ पे ना फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, देखो
इसी जगह एक मापी होता है तो वो भी हटाने होते हैं क्योंकि रीजनल एरिया पे वो भी चोरी करके ले जाते हैं। फिर वाटर बकेट होती हैं वो भी हटानी पड़ती हैं, वो भी चोर चोरी करके ले जाते हैं। एक यहाँ पे फ्यूल किट होती है, अगर फ्यूल स्पिल हो जाए तो उसमें मतलब रुइयाँ वगैरह होती हैं वो साफ़ करने के लिए होता है, तो वो भी अंदर रखनी होती है। तो ये सब करके मतलब काफ़ी चीज़ें लाइट्स ऑफ वगैरह करके वो सब करके फिर ऑफ करना पड़ता है सब कुछ। फिर अब मैं हूँ घर चलने को तैयार एंड गुड नाइट। कल वैसे मेरा बहुत बड़ा दिन है। बाय बाय।